मणिपुर में पिछले साल 3 मई को जो हिंसा शुरू हुई थी वो अब तक रुकी नहीं है। पिछले 4 दिनों में राज्य में 8 अलग अलग हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। सबसे नई घटना 11 नवंबर की है, जब कुकी मिलिटेंट्स ने जीरीबाम जिला के बोरोबाकरा पुलिस स्टेशन और उसके पास स्थित CRPF कैंप पर अंधाधुंध फायरिंग की। उन्होंने बोरोबाकरा पुलिस स्टेशन से सिर्फ 100 मीटर दूर स्थित एक मार्केट में कई दुकानें और घर भी जला दिए। CRPF ने रिटेलिएशन में 11 आतंकवादियों को मार गिराया। इस एनकाउंटर के दौरान CRPF के 2 जवान भी घायल हुए और इनमें से एक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही थी। क्यों है मणिपुर में ये अनरेस्ट, इस पर हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। फॉलोइंग द किलिंग ऑफ दीज सस्पेक्टेड मिलिटेंट्स, कुकी जो काउंसिल ने राज्य के पहाड़ी इलाकों में पूरा बंद का ऐलान कर दिया था, जो 11 नवंबर को सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक रहा। मणिपुर पुलिस ने ट्विटर पर कहा, कोट एंड कोट, आज 11 नवंबर 2024 को लगभग 3 बजे के आसपास आर्म्ड मिलिटेंट्स ने जीरीबाम जिला के जाकुरदोर और बोरोबाकरा पुलिस स्टेशन के पास स्थित CRPF पोस्ट पर हमला किया। सुरक्षा बलों ने रिटेलिएशन किया, जिसमें 11 आतंकवादियों को मार गिराया गया। CRPF कांस्टेबल संजीव कुमार, जिन्हें इस पूरे एनकाउंटर में गोली लगी, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। CRPF और पुलिस ने इस हमले का जोर से जवाब दिया और लगभग 40 से 45 मिनट की भारी फायरिंग के बाद स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। जब फायरिंग बंद हुई तो क्षेत्र में तलाशी जारी की गई और आर्म्ड मिलिटेंट्स के 11 शव के साथ साथ हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया, जिसमें 3 AK-47, 4 SLR, 2 IN SAS, 1 RPG, पंप एक्शन गन, BP हेमलेट और कुछ मैगजीन्स बरामद हुए। एक FIR भी दर्ज की गई और जांच जारी है। मणिपुर पुलिस ने कहा है कि आतंकवादियों को खत्म करने का ऑपरेशन जारी है। आसाम राइफल, CRPF और सिविल पुलिस की टीम को वहां भेजा गया है। बोरोबाकरा सब डिविजन में जून से ही कई हिंसा की घटनाएं हो चुकी है। ये इस जिले का सबसे प्रभावित क्षेत्रों में से एक है। पिछले हफ्ते आर्म्ड मिलिटेंट्स ने जयराव हामर गांव में हमला किया और एक 31 वर्षीय महिला को मार गिराया। पुलिस के मुताबिक इस हमले में कम से कम 6 घर जलाकर राख कर दिए गए थे। 3 मई 2023 को शुरू हुई इस जातीय हिंसा में अब तक 200 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। तो आखिर मणिपुर में हिंसा कैसे शुरू हुई थी? मणिपुर में हिंसा पिछले साल यानी 2023 3 मई को शुरू हुई थी, जब कुकी जो कम्युनिटी के लोग मणिपुर हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, तब वहां आगजनी और तोड़फोड़ हुई। दरअसल मेटी कम्युनिटी ने मणिपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और मांग की थी कि उन्हें ट्राइबल स्टेटस दिया जाए। मेटी कम्युनिटी का कहना है कि मणिपुर 1949 में भारत में मिला और उससे पहले उन्हें एक ट्राइब का दर्जा प्राप्त था। याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सिफारिश की थी कि मेटी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल किया जाए। कुकी जो कम्युनिटी मेटी को ट्राइबल स्टेटस देने के खिलाफ है। उनका कहना है कि राज्य के 60 में से 40 विधानसभा सीटें मेटी प्रभावित इम्फाल घाटी में है। ऐसे में अगर मेटी को ट्राइबल स्टेटस दिया गया तो कुकी जो कम्युनिटी का रिजर्वेशन में हिस्सा कम हो जाएगा। मेटी जनसंख्या का बड़ा हिस्सा है, इम्फाल घाटी और मणिपुर के मैदानी इलाकों में है, जबकि कुकी जो कम्युनिटी के ज़्यादातर लोग पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। मेटी हिंदू हैं, जबकि कुकी जो लोग क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। इन दोनों समुदायों के बीच हिंसा मणिपुर में 1 साल से ज़्यादा समय से चल रही है। इस दौरान 237 लोग मारे गए हैं, 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मणिपुर में अनरेस्ट अभी भी जारी है। वहाँ लोग इस डर में रहते हैं कि कब क्या हो जाए, किसे नहीं पता। कुछ ठोस अभी भी सामने नहीं आया है। ऐसे में मणिपुर अपडेट्स पर अपनी नज़र बनाए रखने के लिए आप स्विच को ज़रूर फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए।